मैं ये कहना चाहूंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब को इमरान खान साहब तो यहूदी एजेंट नजर आते हैं, और मैं उनसे बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि इमरान खान साहब तो ठीक है आपको यहूदी एजेंट नजर आते हैं, और नईमुल हक साहब आप भी जरा समाज फरमाइएगा और ये बात आप जरूर कहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बहुत सीनियर और एक समझदार आदमी है, ये जरूर कहिएगा कि वो तो चले भाई हैं, हमने मान लिया भाई आपकी बात मौलाना साहब, लेकिन लेकिन मौलाना साहब आप ये भी तो बताइए कि तारिक फातिमी साहब की जो बेटी है, तारिक फातिमी साहब की जो बेटी है, उन्होंने बाकायदा एक यहूदी मर्द से शादी की हुई है, तो आप यहूदी मर्द से शादी करने वाली उस लड़की के वालिद तारिक फातिमी साहब के साथ ही नवाज शरीफ को तो मुसलमान कहते हैं लेकिन इमरान खान को यहूदी कहते हैं, ये कैसी दोगली बात है, ये जरा नईम साहब जरूर पूछना चाहिए। जी मैं डॉक्टर साहब तो रिश्ते की बात नहीं, मैं कहता हूँ ये तारिक फातिमी साहब की बच्ची उनकी हुई है उधर रिश्ते, इसी तरह हमारे और पॉलिटिशियन के मुझे रिश्ते में कोई इतराज नहीं, तो आप मुझे रिश्तों में कोई इतराज नहीं है, रिश्ते भी होते हैं, अहले किताब को मुसलमान न भी बनाओ तब भी रिश्ता जायज है, तब भी रिश्ता जायज है, जी मुसलमान बनाओ तो एक तकल्लुफ की बातें जो आजकल हमारे मुआशरे में बस लोगों को दिखाने के लिए होती है, मुझे उसमें भी इतराज नहीं है, सवाल बुनियादी यह है।